वेलकम टू माई चैनल फन फूड्स विद कुसुम। हाय फूडीज़, कैसे हैं आप सब लोग। गर्मियों का टाइम स्टार्ट हो चुका है, किचन में रहना बहुत मुश्किल है। रोज़ का खाना बन जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपका मन करे वही बोरिंग खाने से कुछ हटके बनाने का, जो फेमस भी हो, टेस्टी भी हो और फटाफट भी बन जाए, तो आज की रेसिपी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आज मैं आपके साथ गुजरात की बहुत ही फेमस खमन ढोकला की रेसिपी लेके आई हूँ। वैसे तो ये बहुत टाइम टेकिंग होता है जब हम इसे स्टीम करके बनाते हैं, लेकिन आपको पता ही है कि मैं बताने जा रही हूँ आपको माइक्रोवेव में केवल 5 मिनट में। तो देखिए, जब भी आपका अलग से कुछ खाने का मन करे, टाइम भी ना हो, गर्मी भी बहुत हो रही हो, बहुत समय भी आपको किचन में नहीं देना, तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, बहुत इजी है इसको बनाना। तो चलिए फिर देखते हैं कि किस मोड पे कैसे बनाते हैं ढोकला माइक्रोवेव में। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक, शेयर और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर रेसिपी। तो देखिए, सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, मिक्सिंग बाउल लेंगे, थोड़ा सा गहरा लेंगे, उसमें छन्नी रखेंगे और इसमें देखिए अब हम डालेंगे बेसन। ये नॉर्मल बेसन है जिससे आप पकौड़ियाँ बनाते हैं, बारीक बेसन लेना है। ये देखिए एकदम फाइन होना चाहिए, जितना फाइन होगा ना उतना बढ़िया बनेगा ढोकला। तो इस तरीके से देखिए, बेसन ले रही हूँ मैं यहाँ पर 2 कप। अगर मैं ग्राम में बात करूँ तो ये 250 ग्राम बेसन है। बस इसे हम अच्छे से छान लेंगे, छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हट जाते हैं, दूसरा ईयरी हो जाता है हमारा यहाँ पर मिक्सचर। तो यहाँ पर मैंने बेसन छान लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर नमक। तो आधी छोटी चम्मच मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ इस टाइम पे। तो इसमें जो मैंने हल्दी डाली है वो भी आधी छोटी चम्मच डाली है, हल्दी बहुत कम डालिएगा। देखिए, ज़्यादा अगर हल्दी पड़ गई तो बाद में जो है ढोकले का कलर लाल हो जाता है, तो हल्दी आपको बहुत कम डालनी है, आधी छोटी चम्मच। डिपेंड करता है कि आपने बेसन की क्वांटिटी कितनी ली है। अब डालेंगे हम इसमें चीनी, और चीनी डालूंगी मैं यहाँ पर 1 चम्मच। उसके बाद देखिए इसमें डालेंगे हम तेल, तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल, जो भी आपके पास है। अब डाल रही हूँ मैं इसमें सिट्रिक एसिड। ये जो इंग्रेडिएंट है ये बहुत ज़रूरी होता है डालना। देखिए, इन्हें नींबू का फूल भी कहते हैं, आपको किसी भी राशन की दुकान में इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो यहाँ पर देखिए मैंने डाला है 1 छोटी चम्मच सिट्रिक एसिड। उसके बाद डालेंगे हम इसमें पानी, तो मेज़रमेंट का ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी उसी कप से, जिस कप से मैंने बेसन लिया था उससे 1 कप पानी डाला। पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, देखिए कम ही पानी डालेंगे, अच्छे से देखिए लम्स फ्री बैटर हमारा इस तरीके से तैयार हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसके अंदर मैंने यहाँ पर डाला है 1/2 कप और, यानी 1.5 कप पानी मैंने ऐड किया है, और इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है तो उसकी जगह आप नींबू का रस भी ले सकते हैं, पर अगर आप सिट्रिक एसिड डालेंगे ढोकले में तो उसके बाद देखिए ढोकला जो है अलग ही तरीके का बनेगा। नींबू का रस डालेंगे तो थोड़ा सा अंतर आएगा। तो अब मैं यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्लोइंग होना चाहिए इस तरीके से, करछी से दिखा देती हूँ। ये देखिए करछी इस तरीके से देखिए कोट हो रही है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना और गाढ़ा भी नहीं करना बैटर। तो बस अब मैं कवर करके और रेस्ट करने रख देती हूँ बैटर को कम से कम 20 मिनट के लिए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब ढोकला बनाने के लिए आपको यहाँ पर माइक्रो सेफ यूटेंसिल्स चाहिए। यहाँ पर मैं प्लास्टिक माइक्रोवेव बाउल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो ग्लास का कर सकते हैं या फिर आप ग्लास की ट्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी आपके पास है वो रखिए, पर रखिएगा थोड़ा सा गहरा ताकि जब ढोकला फूले तो उसे स्पेस मिले। तो मैं इस तरीके का, ये देखिए माइक्रोवेव से प्लास्टिक बाउल ले रही हूँ। अब हम देखिए बाउल को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ऊपर तक पूरा चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस करना है। और जब ये ग्रीस हो जाए तो उसके बाद देखिए हमें इसे एक साइड रखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, अब आपको इस तरीके का देखिए कोई भी माइक्रोवेव सेफ, चाहे प्लास्टिक का इस तरीके से ट्रे हो या फिर ग्लास ट्रे हो या फिर प्लेट हो, प्लेट भी होती है इस तरीके की, ये देखिए प्लेट होगी लेनी है आपको, और उसमें देखिए आपको पानी डालना है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 ग्लास में पानी डाल रही हूँ,
और अब देखिए इसके बेस में हमें रखना है इस तरीके का बाउल, चाहे आप प्लास्टिक रखिए, चाहे आप इस तरीके का सिरेमिक रखिए या फिर माइक्रोसेव ग्लास रखिए, आपको बेस में इस तरीके से रखना है और उसके ऊपर देखिए इस तरीके से बाउल को रखना है जिसमें आप ढोकले का बैटर रखेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारा पूरा प्रोसेस होगा और फिर जिस बाउल में आप ढोकला स्टीम करने रखेंगे उस बाउल को आपको कवर करना है अच्छे से। देखिए इस तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ पर लीड लगा दी है, अगर आपके पास ये नहीं है तो माइक्रोसेप आप प्लेट भी इसके ऊपर कवर कर सकते हैं, लेकिन इन ढोकले को आप ओपन नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम मैंने बता दिया है। देखिए इससे पहले मैंने विदाउट स्टीम वाला ढोकला बनाया था, आप लोगों ने ट्राई किया बट आप लोगों का ड्राई बन गया, हार्ड बन गया, तो आप लोगों को एकदम परफेक्ट वो जो है रेसिपी समझ में नहीं आई। आज मैं स्टीम वाला इजी तरीका बता रही हूँ। देखिए ढोकला कभी भी ओपन नहीं छोड़ना चाहिए, कवर करके रखिएगा। अगर आप स्टीम भी नहीं कर रहे हैं तो स्टीम अपने आप बन जाती है माइक्रो मोड पे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्टीम में जो है ढोकला बहुत अच्छे से बनता है। तो यहाँ पर देखिए बैटर भी हमारा अच्छे से थिक हो गया है, ये देखिए थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/4 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाला है, थोड़ा पानी डालेंगे ताकि एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद इस तरीके से देखिए विस्कर से अच्छे से मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट। देखिए इस तरीके से हम फेटेंगे, जितना आप इसे फेटेंगे 2 से 3 मिनट तक लगातार, उतना ये हल्का होगा, लाइट होगा और फ्लफी होगा। तो इस तरीके से ये देखिए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बैटर हो गया है। तो इस तरीके से वॉल्यूम भी बढ़ गया बैटर का, जो हमने बाउल तैयार किया था उसमें हम बैटर को डाल देंगे पूरा बैटर। उसके बाद देखिए अब हम इस तरीके से जो हमने ट्रे में पानी डाला था इसके ऊपर रखेंगे छोटा वाला बाउल और उसके ऊपर रखेंगे हम ढोकले का बाउल। फिर उसके बाद देखिए इस तरीके की तैयारी करने के बाद फटाफट हम यहाँ पर पूरा जो सेटअप है उसे लगाएंगे माइक्रो मोड पे, हमें इसे स्टीम करना है, ध्यान रखिएगा। और जब आप माइक्रोवेव में इस तरीके से ढोकला रखें तो अच्छे से अरेंज करके रखिएगा, ऐसा ना हो कि रोटेट करते हुए जो है ढोकले का बाउल नीचे गिर जाए या इधर उधर खिसक जाए। तो आपको देखिए ये सेटअप बहुत अच्छे से लगाना है। उसके बाद फुल पावर आपके माइक्रोवेव की जो भी होगी आपको 5 मिनट लगाने हैं उसमें। अगर 900 वाट से नीचे है तो आप 2-3 मिनट और लगा दीजिए, और अगर 900 वाट से ऊपर है तो आप 4 से 5 मिनट के बीच में टाइम रखिएगा। टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है, हर एक के माइक्रोवेव का जो पावर होता है वो अलग अलग होता है, तो इसलिए अगर थोड़ा कच्चापन लगता है तो आप थोड़ा सा और स्टीम कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए क्या होगा ना कि जब माइक्रोवेव में हम इस तरीके से सेटअप बना के ढोकला रखेंगे, जो हमने ट्रे में पानी रखा जब हम माइक्रोवेव ऑन करेंगे तो ये बॉयल होगा, इसकी स्टीम से ढोकला बहुत अच्छा बनेगा। तो ट्रे में देखिए पानी रखने का यही एक मेन कारण है। और ये देखिए 5 मिनट हमारे पूरे हो गए हैं और अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ फटाफट से। ये देखिए गरम गरम जो है ढोकला हमारा तैयार हो गया बनके, ये देखिए कितना बढ़िया बना, स्टीम गई ना इसके अंदर, क्योंकि ये माइक्रोवेव है तो इसमें बहुत अच्छे से स्टीम जाती है। और ये देखिए माइक्रोवेव में एक और अच्छी बात होती है कि जब ढोकला अच्छे से स्टीम हो जाता है तो साइड अपने आप छोड़ देता है। एक पहचान तो हमारी ये होती है ढोकला चेक करने की, ठीक है, एक ये होता है कि आप टूथपिक या फिर नाइफ डाल के ऐसे चेक करिए, क्लीन आता है, समझ लीजिए एकदम ढोकला तैयार है। अगर टूथपिक पे बैटर लगता है या नाइफ पे बैटर लगता है तो इसे 1 से 2 मिनट या 3 मिनट और स्टीम कर लीजिए। अब ठंडा होने देते हैं प्रॉपर और कवर करके रखना है ज़रूर, नहीं तो इसका सरफेस जो है वो हार्ड हो जाएगा। अब हम तड़का बना लेते हैं। तो यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मैंने तेल डाला है, इसमें मैं राई डाल दूंगी 1 चम्मच और 4 से 5 हरी मिर्च। थोड़ा सा हमें भूनना है, ये प्रोसेस आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। कड़ी पत्ता डाल दिया है, पानी डालेंगे। अब पानी जिस कप से देखिए हमने यहाँ पर बेसन का मेजरमेंट रखा था उसी कप से 2 कप हम यहाँ पर पानी डालेंगे। अगर 2 कप हमने यहाँ पर बेसन डाला तो 2 ही कप हम पानी डालेंगे, तभी जो है एकदम बहुत अच्छे से जो है सोख लेता है ढोकला पानी। तो बस इस तरीके से पानी डालने के बाद अब डालेंगे नमक आधी छोटी चम्मच, फिर डालेंगे चीनी 2 चम्मच। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच में चीनी डाल रही हूँ, डिपेंड करता है आप मीठा कितना लेते हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसमें चीनी। उसके बाद थोड़ा मिक्स करेंगे और इसमें 1 से 2 बॉयल आने देंगे। अब देखिए हम गैस को कर देंगे बंद और इसमें डालेंगे हरा धनिया और आधा नींबू का जूस, मिक्स करेंगे और गैस को प्रॉपर बंद कर देंगे। और यहाँ देखिए ढोकला भी हमारा
ठंडा हो चुका है। साइड्स तो इसने पहले ही अपने आप छोड़ दी थी, ऊपर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट है। बस हल्का सा ऐसे टच कर लेंगे और प्लेट में इस तरीके से डीमोल्ड कर लेंगे। देखिए कितना इजी डीमोल्ड हुआ है। तो ये देखिए डीमोल्ड करने के बाद बाउल का बेस देखिए कितना क्लीन हुआ है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये बना हुआ है माइक्रोवेव में केवल 5 मिनट में। अगर इसी ढोकले को मैं गैस में स्टीम करके बनाती तो इसमें कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम जाता और उसमें भी हमें बार बार चेक करना पड़ता। तो इस तरीके से देखिए माइक्रोवेव में हमारा जो है बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी ढोकला बनके तैयार हो गया। कट कर लेंगे, अपने हिसाब से पीसेस कट कर लीजिए। ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट बना है, कट करके ही आपको पता चल रहा होगा। तो बस इस तरीके से हम पीसेस निकाल लेंगे। बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज से। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, कितना अच्छे से राइज हुआ है। इस तरीके से जो हमने सिरप तैयार किया था उसे डाल देंगे और फ्रिज में रेस्ट करने रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि जो है ये सिरप को अच्छे से ढोकला सोख ले और हमारा ढोकला एकदम चिल्ड हो जाए। तो बस जब भी आपका मन करे आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और करिएगा इसे माइक्रोवेव में। देखिए जब तक आप रेसिपी नहीं ट्राई करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि रेसिपी वाकई कैसे बनती है माइक्रोवेव में। टाइम टेकिंग भी नहीं है, बहुत आसान है। ब्रेकफास्ट में बनाइए, इवनिंग स्नैक्स में बनाइए, कोई तामझाम नहीं है, कोई झंझट नहीं है। बस बैटर गोला 5 मिनट में स्टीम, दैट्स इट। बस इस तरीके से हरा धनिया और ऊपर से नारियल को हम इस तरीके से गार्निशिंग के लिए डाल देते हैं। तो देखिए कितना स्पॉन्जी ढोकला हमारा बना है। पूरा सिरप जितना मैंने बनाया था वो पूरा सोख लिया है ढोकले ने। बहुत ही एकदम माउथ मेल्टिंग, बहुत स्पॉन्जी और बहुत ही सॉफ्ट हमारा ढोकला बनके तैयार हुआ है। अगर देखिए हार्ड बनता है ना तो इसमें जो सिरप हम डालते हैं वो अंदर तक नहीं जाता है, बीच में हार्ड रह जाता है। तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इसी तरीके से फॉलो करिएगा और जब आप रेसिपी बनाएं तो मेरी वीडियो को देखते हुए रेसिपी बनाएं, ताकि हर एक स्टेप आपको क्लियर हो सके। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी है उसे प्रेस करके ऑल ज़रूर कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी रेसिपी। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।